आपका मैं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बजट स्पेशल। और बजट कैसा रहा, बजट उसको लेकर के हम समय समय पर आप तक पहुंचा रहे हैं एक्सपर्ट्स के बीच। एक बार फिर आपके बीच हैं, हमारे साथ अलका बत्रा जी हैं जो एमएसएमई सेक्टर के लिए काम करती हैं, हमारे साथ शंकर अग्रवाल साहब हैं भाजपा से हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमारे साथ प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस से हैं, और हमारे साथ निखिल जवर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सारा इस्माइल हमारे साथ जुड़ रही हैं, सभी का स्वागत है। मैं अलका जी आपके पास आना चाहूंगा, अगर बजट अभी हम देखें और जिस निगाह से, तो वास्तव में किस तरह का बजट इसे कहा जा सकता है? बजट आज का बजट प्रतिक्रिया यही है, और हमें भी लग रहा है कि बजट बहुत अच्छा है, वेरी शॉर्ट स्वीट, और ऑफ कोर्स जो भी प्रिडिक्टेड था कि चुनाव के पहले का चुनावी बजट है, इसमें सारी चीजें बहुत अच्छी की गई हैं। और सबसे बढ़िया चीज जो की गई है अगर हम कहें तो, एक तो इस बार इनकम टैक्स की लिमिट इंक्रीज कर दी है 5 लाख से 7 लाख, विच इज ऑफ कोर्स कमेंडेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्लैब्स भी इन्होंने इंक्रीज किए हैं कि 5 लाख तक इतनी है, 7 पे इतना और इतनी पे, 20-25 में तो स्टार्टिंग फ्रॉम 5% to 30% जो टैक्स का स्लैब्स अलग अलग कर दिए, दैट्स ऑल्सो गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट महिलाओं के लिए जो स्कीम है कि आपको 2 लाख के ऊपर 7.5% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है डिपॉजिट्स के ऊपर, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड कमेंडेबल। टूरिज्म सेक्टर के लिए भी काफ़ी अच्छा बजट माना जा रहा है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है प्रतिक्रिया, टूरिज्म सेक्टर वाले भी लोग काफ़ी खुश हैं। और जहाँ तक एमएसएमई सेक्टर की बात है, एमएसएमई सेक्टर के लिए भी आई थिंक इन्होंने लिमिट्स थोड़ी सी बढ़ाई हैं, तो ओवरऑल कहा जाए तो बजट एज ऑफ नाउ इज लुकिंग गुड। एक डिस्पोजल जो है, मतलब डिस्प्यूट्स को डिस्पोजल करना है, उसको लेकर के प्लान करेगी गवर्नमेंट, वो भी एक ठीक कहा जा सकता है? बिल्कुल ठीक कहा जा सकता है, क्योंकि उसके लिए भी बहुत बहुत ये जरूरी था कि इसके बजट के अंदर इसका कुछ प्रावधान रखा जाए, और आई थिंक इसमें इन्होंने रखा है। जी निखिल जी, टैक्स पेयर्स को जो लग रहा था, एक चिंता थी कि इसमें कुछ दिखाई देना चाहिए, इससे 7 लाख के स्लैब की बात की गई है, इससे कुछ राहत मिलेगी? डेफिनेटली सर, इससे राहत मिलेगी। एक्चुअल में काफी टाइम से एक एक्सपेक्टेशन थी सैलरी मिडिल क्लास की, टैक्स पेयर्स की, कि 2-3 सालों से कोई भी चेंज नहीं हुआ था, बदलाव नहीं हुआ था। हालांकि 2 साल पहले एक न्यू टैक्स रिजीम आई थी, पर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी। अगर हम उसको ओल्ड टैक्स रिजीम से कंपेयर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें कोई जो टैक्स की सेविंग नहीं हो रही थी, बचत नहीं हो रही थी, तो उसको भी प्रमोट करने के लिए, न्यू रिजीम को प्रमोट करने के लिए उन्होंने उसको भी इंसेंटिवाइज किया है, स्लैब्स के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, 5 लाख से 7 लाख तक का एक आपको रिबेट मिल गया है, कि अप टू 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट का एक इंटेंशन है आगे की तरफ, कि हम एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर के रूप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो अब जो ओल्ड रिजीम है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो एक तरह से डिसकंटिन्यू होने वाली है, क्योंकि नाउ न्यू रिजीम को उन्होंने कहा है कि इट इज़ माई डिफ़ॉल्ट स्कीम, और अगर आपको ओल्ड रिजीम के अंदर रहना है तो आपको उसका ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और दूसरा, जो न्यू रिजीम के अंदर जो टैक्स रेट्स में चेंज किया है, अगर एक मैं एग्जांपल के तौर पे 10 लाख की इनकम पकड़ता हूँ किसी टैक्स पेयर की, तो वहाँ पे करीब करीब आपको 20,000 का टैक्स सेविंग्स होने वाला है। वहीं अगर आपकी 15 लाख की इनकम है, तो करीब करीब 50,000 का आपको एक सेविंग होने वाला है। उसके अलावा एक और पॉइंट उन्होंने ऐड किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी वालों को 50,000 का, वो खाली ओल्ड रिजीम में ही एप्लीकेबल था, अभी उसको उन्होंने न्यू रिजीम के लिए भी एक्सटेंड कर दिया, तो वो भी एक बेनिफिट है। तो डेफिनेटली ये बजट टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल टैक्स पेयर। इसमें कुछ और किया जा सकता था, थी गुंजाइश लग रही है आपको? इसमें जो गुंजाइश थी कि भी थोड़ा सा एक तो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो डिडक्शंस उन्होंने पहले दिए थे, उसके अंदर कोई भी चेंज हुआ नहीं है, क्योंकि हालांकि वो एक तरफ कह रहे हैं कि हम न्यू रिजीम की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो उन डिडक्शंस का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस आगे के लिए नहीं रह जाएगा, पर कॉर्पोरेट और बिजनेस टैक्स रेट्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जी चलिए, हाँ कहना चाहूंगी, इसमें जो डिपॉजिट्स अपने होते हैं जिसके लिए अपनी इंक्रीज, आई थिंक उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा इन जनरल भी थोड़ा इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट काफी पिछले कुछ सालों में आप देखिए 4% तक 5% तक आ गया था, तो विच विल यू नो डीमोटिवेटिंग फॉर पीपल हु आर यू नो डूइंग डिपॉजिट्स FDs के ऊपर, अगर आपको मनी चाहिए तो उसके ऊपर एक थोड़ा सा आई थिंक वी हैव टू वर्क ऑन दैट। और इनकम सबकी बढ़ गई है, तो इनकम टैक्स के ऊपर रिबेट बढ़ाना बहुत बहुत जरूरी था। आज की डेट में आप देखिए तो स्कूल टीचर्स की जो इनकम है 12 लाख रुपए सालाना है, तो वो टीचर्स को भी टैक्स इतना ज्यादा पे करना पड़ रहा था, तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी गुड दैट अगर थोड़ा सा स्लैब इस बार बढ़ाया है, जो कि काफी टाइम से अवेटेड था।
प्रदीप जी, बजट की कुछ खास बातें दिखाई दे रही हैं? खास बात तो क्या कहना है, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह के माहौल में केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है जी, योगेंद्र जी, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि गरीब इस देश में, गरीब का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, आप देखिए इस केंद्र के इस बजट में भी 80 करोड़ लोगों के लिए उस मुफ्त भोजन को एक साल बढ़ाया गया है। इस सरकार ने कहीं पर भी उस गरीब और जो कमजोर तबका है उसको सामर्थ्य देने की कोशिश नहीं की, भोजन देने की कोशिश की है, लेकिन उसमें ही कहते हैं कि हमने मुफ्त दिया है। आप समझिए कि वो गरीब जो ये 80 करोड़ लोग जो खाना लेते हैं या भोजन देते हैं, वो सब अपनी दैनिक व्यवहारिक जीवन में जो कुछ पहनते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाते हैं, चाहे वो पहनते हैं, चाहे वो रखते हैं, उस पर वो टैक्स देता है। इसलिए ये मुफ्त शब्द का जो इस्तेमाल ही सरकार करती है, मैं समझता हूँ ये उन 80 करोड़ लोगों का अपमान है। इसके साथ साथ ही इस बजट में केंद्र सरकार ने ये साबित किया है कि कैपिटलिस्ट सरकार, कैपिटलिस्ट लोगों की सरकार है। आप देखिए कि जितना इनके पास फाइनेंशियल क्रंच अवेलेबल है उसका 70-75% इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात की है। कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का जो खेल है वो अब देश के हर आदमी समझने लगे हैं, हम भी समझते हैं, क्योंकि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विकास की बात करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें दो ही इनके लाडले उद्योगपति हैं जिनके माध्यम से सारा काम करते हैं। सारी योजनाएं बना करके उन्होंने पहले से ही, बजट से पहले उन्होंने जो प्लान इनको दिया है उनके हिसाब से ही इन्होंने योजनाएं बना दी हैं। और आने वाले समय, पिछले 8 सालों में हमने जो देखा है कि जिन दो औद्योगिक घरानों ने इस पूरे कैपिटल सेटअप पे कब्जा किया है सरकार में, उसी में से सरकार ने 75% का जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्हीं के माध्यम से होना है। और हमें तो बिल्कुल भरोसा है, हिंदू की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भी सारी बातें साफ है। उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने देश के आम गरीबों की बात न करके कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं। अभी भी आज प्रधानमंत्री का संबोधन था, उन्होंने कहा कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का इंक्रीज किया है। ये इंक्रीज भी स्वभाव में है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान में काम नहीं करती है, ये सरकार अगले 25 साल का आपको सपना दिखाती है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ चुनाव लड़ती है, लेकिन 25 साल बाद आपको इन योजनाओं का लाभ मिलने की बात करती है। तो मैं समझता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में सरकार का भी डेवलपमेंट है, इनके उद्योगपतियों डेवलपमेंट है। तो मेरा मानना है कि ये कैपिटलिस्ट बजट है और उद्योगपतियों को साधने के साथ साथ अपने हितों को साधने का भी प्रयास किया गया है। तो प्रदीप जी, आपका सीधा आरोप है कि जो इनडायरेक्टली आप डायरेक्टली कहते हैं, आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं हम दो, हमारे दो उन्हीं का ख्याल रखना है, ये चाह रहे हैं आप? बिल्कुल यही है, साबित हो रहा है, क्योंकि दो को बताइए, एक तरफ की कांग्रेस यह भी आरोप लगा रही है कि चुनावी मोड पे बजट गया है, फिर दो लोगों को लाभ लगाने से उनके अगर कर्मचारी भी दोगे तो सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि ये रिसोर्सेस दोनों ही उद्योगपति जो है वो सरकार को उपलब्ध करा रहे हैं, सारा संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, वो उन उद्योगपतियों के हवाई जहाजों में लेकर चुनाव लड़ते हैं, ये तो जनजाहिर बात है, ये तो मीडिया में आता है। इसलिए कहना कि जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है वो अपने हित साधने की बात हो रही है, और 75% जो फाइनेंशियल आज रिसोर्स अवेलेबल है सरकार के पास, उसमें से हिस्सेदारी इनकी तय है, ये हमें मालूम है, और पहले भी हुआ, आगे भी होने जा रहा है। चलिए, शंकर अग्रवाल साहब हमारे साथ में है जी, आपने सुना कुछ आरोप है, कुछ तारीफ की जा रही है जी। अच्छा नहीं, प्रदीप जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये कैपिटल बजट है, 100% सहमति है मेरी इस बात में कि ये कैपिटल बजट है और ये गरीबों के लिए। पर लेकिन इन्होंने एक बात स्वीकार करी कि 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है मुफ्त का, जो कि वो टैक्स देते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि टैक्स में 5.9 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न भरते हैं, जिसमें से 1.65 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं, 1.65 करोड़, बाकी लोग कोई भी टैक्स नहीं देता है। तो जो 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है हर महीने, वो टैक्स पेयर नहीं है, वो एक पैसा भी नहीं देते हैं। और वो 5 किलो जो राशन दिया जा रहा है वो तो एक प्रकार का बोनस है हल्का फुल्का, बाकी काम तो धंधा करता ही है ना, आदमी धंधा करता है, और भी 10 चीजें जरूरत होती है, केवल 5 किलो राशन से थोड़ी काम चलता है, उसको कपड़ा भी पहनना पड़ता है, मकान भी है, बच्चे को पढ़ाई भी है, ये सब बातें हैं। वो तो एक बोनस है कि सरकार बेचारा वो आदमी कम से कम पेट तो भर ले। सरकार की योजना ये है कि किसी तरह से गरीब को नुकसान न हो, गरीब भूखा न सोए, ये एक योजना है, उसके अंतर्गत 5 किलो अनाज उसको मिल रहा है। जहां तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की और ये जो दो लोगों के
फायदे की बात है, या तो राहुल गांधी ने प्रचारित कर दिया, बाकी उद्योगपति मर थोड़ी गए, बाकी भी तो सारे जिंदा है, वो भी काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो राहुल गांधी जी ने कह दिया दो मित्रों के लिए काम करते हैं, उसी लाइन पर प्रदीप जी को चलना उनकी मजबूरी है, बाद में निकलने के बाद मुझे कहेंगे यह बात मेरे को कहना आवश्यक थी, तो और कुछ भी नहीं है। अपन जानते हैं जो भी चीज आज मान लो जैसे हवलदार जयपुर का दिया है तो टेंडर हुआ है उसका, टेंडर में जो कॉम्पीट करेगा वही आएगा, बाकी कौन आएगा, कोई भी चीज सरकार अपनी मर्जी से किसी को दे सकती है क्या? वो एजी वाले बाद में दुनिया भर की इस पर इंक्वायरियां होंगी, सीधे इंक्वायरियां। प्रदीप जी इसमें कह सकते हैं क्योंकि प्रदीप जी से पूर्व वक्ता जो आए उन्होंने कहा कि देखिए टेंडर की बात करती है बीजेपी, टेंडर वैसे ही बनाए जाते हैं जैसे जो लेने वाला है उसके अकॉर्डिंग टेंडर बनाए जाते हैं, ये भी आरोप लगाती है। वो ठीक है, वो आरोप अपनी जगह है, लेकिन वो उसके बाद में, उसके बाद में भी तो बहुत सारे साधन है ना, कोर्ट में जा सकते हैं कि टेंडर गलत बनाया है आपने, ये कर सकते हैं, वो सारी बातें हैं, लेकिन इसमें वो नहीं है। दूसरा मेरा ये कहना है जो बजट के बारे में मोटी मोटी बात, जैसे किसी आपने जैसे अपने मेरे साथी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई ये लोगों को फायदा हुआ है, आपने भी कहा भी फायदा हुआ है, ये हुआ। मैं इन फायदे नुकसान से बिल्कुल अलग जाना चाहता हूं, मैं ये बिल्कुल इसकी चर्चा ही नहीं करना चाहता कि इसको 2,000 रुपये का फायदा हुआ, इसको 5,000 रुपये का नुकसान हुआ, इसको 10,000 रुपये का फायदा हुआ। मैं एक मोटी मोटी बात आपको कह रहा हूं कि 2 साल का कोरोना पीरियड, आप 2 साल का कोरोना पीरियड ले लीजिए, उसके अंदर सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो डाउन हो गई, सारे वर्ल्ड की, अमेरिका की आज 1.5% पे आ गई है, जर्मनी की माइनस में है, ब्रिटेन की माइनस में है, चाइना की हम चर्चा करते थे यहां बैठ करके 9.5% डेवलपमेंट रेट थी, जो आज 4% 4.25% पे आ गई है, वहां हम 7% 6.5% के ऊपर खड़े हैं, और वो इसलिए कि अपन घर के अंदर भी देखते हैं ना, कोई बुजुर्ग आदमी होता है तो वो पैसे बचा के रखता है संकट काल के लिए और धीरे धीरे चलता है, तो मोदी जी ने धीरे धीरे चला करके देश को यहां तक ले आए, और आज की तारीख में वर्ल्ड की 10वें नंबर की जो इकोनॉमी थी भारत आज 5वें नंबर पे आ गई है, आज वर्ल्ड के अंदर जितना जो है फॉरेन रिजर्व जिन देशों के पास में भारत का 4था नंबर है उसके अंदर, और आज जहां पर अपन क्या है कि आर्म्स और जो डिफेंस के जो सारे इक्विपमेंट थे जो इंपोर्ट करते थे आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 14,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन पिछले साल में हुआ है, तो इसलिए ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, ये चाहे हल्ला करते रहे 1,000 बार यही अच्छा है कि हल्ला करते रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं इस बात की, जो काम हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। आज 7.5 लाख करोड़ रुपया पिछली बार उन्होंने प्रोविजन किया था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इस बार 10 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन किया जो प्रदीप जी ने बता भी दिया। आज एक बार प्रदीप जी को मैं कहूंगा जैसे बाड़मेर जाकर के देखो वहां पर रिफाइनरी लग रही है 3,000 करोड़ रुपए की रिफाइनरी, उसके अंदर चारों तरफ से दुनिया भर की दुकानें खुल गई है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर वहां का बढ़ गया है, छोटी छोटी किराने की दुकानें खुल गई है, कंस्ट्रक्शन वालों के काम हो रहा है, चाय ढाबे दुनिया भर के खुल गए हैं, तो हजारों लोगों को रोजगार मिलता है उससे। तो आप 10,000 करोड़ रुपए कोई भी खर्च करेगा, मैं तो कहता हूं आप ही खर्च करो, अडानी अंबानी खर्च करे तो वो खुद हाथ से थोड़ी काम करेंगे, अल्टीमेटली तो लेबर काम लेनी पड़ेगी ना उनको, तो लेबर को तो कम से कम रोजगार तो मिलेगा ही ना उनको। बिल्कुल, मेरा एक सरकारी सवाल है, अभी मैंने कहा कि जिन लोगों से आपने 80 करोड़ लोगों से आपने कहा कि इसमें बहुत कम लोग इनकम टैक्स देते हैं, नहीं देते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनके दैनिक मरीजा की चीजों में चाहे कपड़ा हो लत्ता हो उनके पास आज जो कुछ पहनते हैं चप्पल है जूता है बीड़ी है तेल है उस पर वो जीएसटी देता है, और इस सरकार में दो सौ लाख करोड़ का करप्शन हो रहा है। कोरोना की बात आपने की, पूरी दुनिया में जीएसटी यहां हमारे हिंदुस्तान में किस सरकार ने कम नहीं किया, पूरी दुनिया में रिबेट दी गई रियायतें दी गई, लेकिन हमारी सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया कि सारे बंदे बंद हो गए बेरोजगार लोग हो गए, लेकिन जीएसटी कलेक्शन में कोई रिबेट सरकार ने नहीं दी और कलेक्शन को कीर्तिमान स्थापित करते रहे। आज इस बात से आप बड़े खुश हैं कि 200 लाख करोड़ रुपए का अब कलेक्शन सालाना हो रहा है, तो मेरा आपसे पूछना यह है कि उस गरीब का भी कंट्रीब्यूशन है उस जीएसटी में, वो जितनी दैनिक भोग की चीजें करता है उसमें जीएसटी देता है, इसलिए उसकी हिस्सेदारी है। इसलिए पहली बात तो यह है कि मुफ्त का इस्तेमाल करना उनका उनकी बेइज्जती करना है, वो मुफ्त नहीं है उसका टैक्स देते हैं जी। चलिए मैं वापस लौटूं आप लोगों के पास में, सारा इस्माइल हमारे साथ में स्टूडेंट हैं यूथ हैं, उनसे जरा जानना चाहेंगे बजट को लेकर के, सारा बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया पहली आपकी? जो हमें बेसिक बजट के बारे में पता चला कि जो सप्त ऋषि लोग फॉलो करने वाले हैं उसमें यूथ को भी प्रायोरिटी देने की बात करी जा रही है कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अराउंड 47 लाख का क्लेम है उन लोगों का टारगेट है, बट बात यह है कि क्या हम इस एम्प्लॉयमेंट को आगे 1 साल बाद जब मेजर करेंगे तो क्या वो गैप फिल हो पाएगा एम्प्लॉयमेंट का? अगर वो हो पाता है तो ऑफकोर्स ये जो बजट का प्लान है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रो यूथ प्लान है, बट अगर ऐसा नहीं हो पाता सो बाकी सरकार भी, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हर जगह देखा जाता है कि कुछ ना कुछ क्लेम किए जाते हैं, तो यहाँ पे भी फिर क्लेम ही रह जाएगा जी। बात होती बजट के बाद में यूथ से, कुछ आप लोगों की आपस में चर्चा होती है कि बजट को लेकर उनकी क्या रिएक्शंस हैं?
जी, हम जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब चर्चाएं करते हैं तो हमारे टीचर्स होते हैं, क्योंकि जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी है तो इकोनॉमिक्स भी हमें पढ़ाया जाता है, उसके अंदर बजट्स के बारे में, फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बताया जाता है। तो एक जो चीज़ हमें ध्यान रखने के लिए बोली जाती है हमेशा कि जब बजट की बात हो रही है तो एक ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, वो ऑल ओवर ग्रोथ हो, सस्टेनेबल ग्रोथ हो, और उसका जो फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, उसका ध्यान रखते हुए बजट की बात करी जाए। सिर्फ हवाओं में हम के एक पर्टिकुलर सेक्शन को कुछ बताना चाह रहे हैं उसके लिए बजट की बात ना हो। जी जौहर साहब, आपके पास आना चाहूंगा। $5 ट्रिलियन, इसको लेकर के हम लोगों ने भी हेडलाइंस बनाई, समाचार पत्रों में भी बनी, उसके पास में जाना भी एक लक्ष्य है गवर्नमेंट का, वो साया कहीं दिखाई देता है इसमें? सर डेफिनेटली, जैसा हम देख रहे हैं कि कोविड आया, उसके बाद में इकोनॉमिक ग्लोबल रिसेशन आया, जितनी भी वर्ल्ड की इकोनॉमीज हैं, जैसा अभी सर ने भी डिस्कस किया, जो वर्ल्ड GDP ग्रोथ है दैट इज़ एट अराउंड 2.9%, जो इंडिया की GDP ग्रोथ है दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 6.5 to 7%। सो डेफिनेटली वी आर एट अ वेरी ब्राइट स्पॉट एट दिस टाइम कि हम जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है डेफिनेटली अचीवेबल है, थोड़ा सा समय लगेगा, और उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग हब को एक फोकस एरिया देखना पड़ेगा कि उसमें हम और कैसे प्रमोशन कर सकते हैं, ताकि जो चाइना में स्लो डाउन हुआ है, अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो फॉरेन कंपनीज हैं जो इंडिया में अपना सेटअप बनाना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उनको इंसेंटिवाइज करके, उनको प्रमोट करके एक बैलेंस अप्रोच, प्रैग्मेटिक अप्रोच दी जाए, जिससे हम मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सकें और इनडायरेक्टली उससे जॉब क्रिएशन भी होने वाला है। जी देखिए, दो चीज़ों को लेकर के मैं कुछ एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, उसमें कहा कि सरकार को दो चीज़ों पर फोकस रखना चाहिए था, लेकिन रखा है, लेकिन जितना किया जा सकता था नहीं किया गया। दो, इंफ्रा और सर्विस सेक्टर, दो, ये भी एक आज MSME का हिस्सा बन गए, क्योंकि हमने MSME की डेफिनेशन को काफी कुछ वाइड कर दिया है। वहां पर अभी भी सरकार उस ओर ध्यान दे सकती थी, क्योंकि दुनिया को देख के हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि IT सेक्टर में आज इंडिया में बहुत बड़ी स्किल है, और जिस तरह से छटनी होती है, फिर एक अस्थिरता चलती है, क्योंकि वो भी सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो यहाँ कुछ हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि सिलिकॉन वैली का उदाहरण लोग देते हैं, तो हिंदुस्तान में अभी भी हमारी कहीं चूक है? देखिए, आज अगर हम बात करें पुणे, नोएडा, गुड़गांव या बेंगलोर, ये खुद के बूथ हैं, गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा कोई योगदान नहीं है इसके अंदर अगर हम कहें तो, क्योंकि छोटे छोटे मॉल्स में अपना काम कर रहे हैं, कभी गवर्नमेंट ने छूने की कोशिश नहीं की। और कहा यह जाता है जब पैसा आता है तो ये देखने की कोशिश करते हैं अब ये टैक्स के दायरे में कैसे आ सकते हैं, तो यहां थोड़ा फोकस किया जा सकता था। हाँ डेफिनेटली, अभी आप जैसा भी आपने स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट देखे हैं हमने इन सालों में, मोस्टली आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी जितने भी बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं उनको एक टारगेट लेना चाहिए कि वो अपने एक फंड्स क्रिएट करें, ताकि इंडियंस आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन कंपनीज। सो उससे क्या होगा कि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, जो वर्ल्ड है वो इंडिया की तरफ और अट्रैक्ट होगा, उसको इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन देखेगा। और दूसरा, जो आपने कहा जो एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल है बिकॉज ऑफ लेऑफ्स, हमने देखे बहुत सारे लेऑफ्स हुए अभी, तो वहाँ पे आई थिंक एक जो बड़ा कारण रहा है वो रहा है जो स्टार्टअप्स की जो ग्रोथ एम्बिशंस हैं, दोज आर वेरी हाई एंड दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, दे आर मेयरली फोकसिंग ऑन कि भी मेरे को रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है। अब जैसे कोविड आया, उसके बाद में कुछ IT कंपनीज में एकदम से बूम आ गया, तो उन्होंने ओवरराइडिंग कर ली। अब उसके बाद में वापस जैसे सब सस्टेनेबल लेवल्स पर आ गए, तो इसके कारण वो लेऑफ्स हो गया। तो कहीं ना कहीं कोई सरकार को एक कोई पॉलिसी बनानी चाहिए जहाँ पे हम इसको एक चेक पॉइंट लगा सकें, एक रेगुलेटरी एस्पेक्ट के तौर पे, कि भाई जो भी हायरिंग हो रही है या उसके बाद में कोई भी लेऑफ्स हो रहा है तो उसको हम कैसे। निखिल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ एक बात कहनी होगी। देखिए, सरकार रोजगार को लेकर के कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, एक डेफिनेशन बदल चुकी है उसकी। क्या कहते हैं कि रोजगार के अवसर दिए हमने, रोजगार में दिया, रोजगार के अवसर दिए। फिर आता है कि साहब स्टार्टअप्स में इतने लोगों को हमने दे दिया तो वो रोजगार के अवसर मिले, बहुत अच्छी बात है। दो वक्त की रोटी मिलनी चाहिए, सरकारी खाते से मिल रही है या आपकी खुद की जेब से मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि यहां पे भी जब आप अवसर मान के चल रहे हो कि हमारी उपलब्धि में, तो उसके लिए तो पॉलिसी भी बनाई जानी चाहिए। अलका जी कुछ कह रही है, क्योंकि आप तो HR देखती है खुद भी। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सर ले ऑफ जो है वो ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज में हुआ है और हो रहा है। रही लॉकडाउन की बात और कोरोना टाइम की बात, तो सभी ने स्टाफ निकाला था। मैंने भी, मेरे ऑफिस में 15 लोग काम करते थे, 4 से काम चलाया।
वो तो था ही, क्योंकि आपकी इनकम उस हिसाब से हो रही थी, आप कैसे उन लोगों को कितने दिन तक पालेंगे, तो वो तो खैर किया था। लेकिन 2022 और 23 में जो लोग वापस रिवाइव हुए हैं, हमारे इंडियंस जिस तरह से रिवाइव हुए, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी में अभी तक ले ऑफ चल रहा है। आज की डेट में भी, कल भी आया था कि 25,000 लोग निकाले जा रहे हैं एक बिग फोर कंपनीज में से। स्टार्टअप्स की जहां तक बात है, स्टार्टअप्स ने काम किया है और स्टार्टअप्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और सरकार उनको हेल्प भी कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है। इस बजट में भी उसके लिए उन्होंने प्रोविजन डाला है और स्टार्टअप्स के अंदर इसीलिए क्योंकि हम लोग जॉब क्रिएटर्स बने, नॉट के जॉब लेने वाले बने, तो स्टार्टअप्स को हम लोग एनकरेज इसीलिए कर रहे हैं और स्टार्टअप्स बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। आप देखिए पिछले 10 साल में कुछ स्टार्टअप्स तो यूनिकॉर्न बन गए और लोग एंजल इन्वेस्टर का काम कर रहे हैं। आप शार्क्स देख रहे हैं जो आजकल इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शार्क्स खाली टीवी पे आने वाले नहीं है, हमारे आसपास जयपुर शहर में भी हैं। सो विच इज एक्चुअली द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग स्टार्टअप्स, पीपल हु स्टार्टेड देयर बिजनेस इन लास्ट 10 इयर्स एंड दे आर रियली डूइंग गुड एंड दे आर गिविंग जॉब्स टू पीपल एंड इट इज एनकरेजिंग और सरकार उनको हेल्प भी करी, सपोर्ट भी करी, इस बजट में भी है। तो मैं ये कहूंगी कि हम हिंदुस्तानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के हिसाब से काफी इसमें ठीक है। एमएसएमई सेक्टर में भी हम लोग ठीक है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, लोकल फॉर ग्लोबल, ग्लोबल फॉर लोकल, मीन्स लाइक ये ऑल दीज स्कीम्स आर कंटिन्यूइंग एंड व्हिच इज गोइंग ऑन, इट इज एनकरेजिंग। और हम चाइना की वजह से अगर हमारे इंडिया में अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं और हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन हम लोग हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक आने वाले टाइम में उसका रिजल्ट हमको दिखेगा। बिल्कुल, इसमें देखिए कोई डाउट नहीं है और ये कहा भी जाता है कि इन्वेस्टर्स देखिए किसी भी मुल्क की एक विश्वास और वहां पे किस तरह का एक माहौल बन पाता है, एक तो आपके पास में इन्वेस्टर्स कितने आ रहे हैं, एक आप एक्सपोर्ट कितना कर पा रहे हैं, ये दोनों चीजों पे काफी कुछ आपके महत्व ग्लोबल इंडेक्स पे जाता है कि हाँ वास्तव में एक्सपोर्टर है ये, और दूसरा हमारे यहाँ पे लोग निवेश करते हैं, निवेश करता है तो कोई भरोसा जीत करके रखा हुआ है, एक माहौल होता है। हम देखिए बातों को बहुत सारी खारिज करें लेकिन जब बजट बनता है तो बजट में बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, हो सकता है कि कुछ चीजों को इग्नोर करके या पर्टिकुलर किसी को लाभ देने की कोशिश करें, लेकिन बजट में नहीं हो सकता, अगर देना ही होगा तो सरकार के पास में बहुत सारे रास्ते हैं। प्रदीप जी, मेरा एक सवाल है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं अपने पैनल में, मेरा एक सवाल है कि अगर सरकारी दावा कर रही है कि इस बार प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है, तो फिर ये जो 80 करोड़ लोग जो गरीब लोग हैं उसका ये रेशियो घटता क्यों नहीं है, ये कम क्यों नहीं होते हैं? जी निखिल जी। सर बेसिकली क्या है कि जो जो 80 करोड़ वाला जो, एक बात बताइए। हाँ, राजनीतिक दल ये बात कहते हैं कि अगर अभी हम शंकर जी से बात करेंगे तो वो कहेंगे वेलफेयर स्कीम, इनसे बात करेंगे यानी कि विपक्ष से करेंगे तो वो होगी रेवड़ी, ये बात कभी सुनते होंगे आप भी, तो इससे 80 करोड़ को हम रेवड़ी की तरह देखेंगे कि वास्तव में वेलफेयर स्कीम में देख रहे हैं हम अभी? मेरे हिसाब से अभी कोविड आया उसके बाद में जिसका भी जो डिस्पोजल इनकम, कोविड पे हम चर्चा करें फिर व्यापारी के साथ सहानुभूति क्यों नहीं होती कोविड में? नहीं, एमएसएमई को भी बेनिफिट दिया गया है और डेफिनेटली, और जितना ज्यादा उम्मीद हम करते हैं उसके हिसाब से उतना एक्सपेक्टेशंस नहीं आई है, जैसा इन्होंने बताया कि जो जॉब क्रिएशन की बात है तो जॉब क्रिएशन इनडायरेक्ट वे में हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग कर दी, पर ऐसे कोई डायरेक्ट वे में कोई भी जॉब क्रिएशन के बारे में बजट में कोई बात नहीं कही गई है। जी चलिए मैं शंकर जी के पास में जाना चाहूंगा, एक सवाल जरूर विपक्ष की ओर से आता है कि डेवलपमेंट हुआ, रोजगार दिया, सबका विकास हुआ, तो फिर भी 80 करोड़ लोगों को आज भी खाने की आवश्यकता क्यों? ये तो वो लोग हैं जो आपके रजिस्टर्ड हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वास्तव में खाना नहीं मिल पाता है। देखिए क्या है कि ये एक क्राइटेरिया कोविड के टाइम में बनाया कि भाई इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए, अब उसको सरकार बंद कब करेगी सवाल ये है, या कम कब करेगी, या इसका क्राइटेरिया कब बदलेगा? ये क्राइटेरिया बदलेंगे तो इसमें से निश्चित रूप से लोग कम हो जाएंगे। आज उस 80 करोड़ के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो संपन्न है, मैं भी जानता हूँ ऐसे लोग हैं, फिर भी मैं मजाक करता रहता हूँ, यार ये 5 किलो अनाज तो छोड़ो तुम, यार इतना पैसे कमा रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि वो 80 करोड़ की जो संख्या है छोड़ रही है, तो इसलिए आज नहीं, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ इससे भी आगे की बात, आज एमएलए एमपी है उसको पेंशन देते हैं अपन, वो पेंशन इसलिए देते हैं कि वो बेचारा कोई काम का नहीं रहता, 5 साल तक वो या 10 साल तक एमएलए रह लेता है, उसके बाद में कोई धंधा नहीं कर सकता, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी स्टेब्लिश बिजनेस है, वो कौन छोड़ रहा है पेंशन? तो इसलिए ये क्या है कि वो बेचारा गरीब आदमी है, 5 किलो अनाज ले रहा है, तो इसलिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गरीब का मतलब वो कोई मान लो 5 लाख रुपए साल के कमा भी लेता है तो भी कोई बहुत ऐसा बड़ा कोई पहाड़ टूटता नहीं है, तो इसलिए उसमें से जो क्राइटेरिया सरकार जब चेंज करेगी उसका तभी कम होंगे, वैसे कम नहीं हो सकते,
एक तो ये बात है, और कोई बात आप पूछना चाहो तो? बिल्कुल, देखिए मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कि बजट कोई भी गवर्नमेंट बनाती है तो बजट बजट के तरीके से ही बनता है। हाँ ये बात ठीक है कि लोगों का ये कहना है कि जीएसटी के बाद सरकारों का एक रवैया ये हो गया कि कभी भी टैक्स बढ़ा दिया जाता है, कभी कम कर दिया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट पे कब क्या बनाना हो कोई पता नहीं होता, तो बजट के मायने थोड़े से अलग होते जा रहे हैं, जिससे जो सरकार रन करते हैं वो लोग कहते हैं कि रिफॉर्म्स का टाइम है और उसी के तरह से हम आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। चले समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को, तो बजट विशेष में फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।